हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको नूबिया प्ले 5G के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो नूबिया 5G प्ले है ना, ये दोस्तों इतने भयंकर स्पेक्स के साथ दोस्तों लॉन्च हो चुका है। इसकी इतनी अच्छी प्राइस है ना दोस्तों, आप इसको सुनेंगे तो एकदम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके स्पेक्स इतने अच्छे हैं और इसकी प्राइसिंग इतनी अच्छी है कि दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये कब लॉन्च होगा, इसकी प्राइसिंग क्या होगी और दोस्तों ये इंडिया में कब आएगा। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हम लोग डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले टाइप मिलेगा एमोलेड और एक्सपेक्ट रेटियो होगा 20:9। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 5G गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले होगा ना वो कम्प्लीट बेजललेस नहीं होगा, जैसा कि दोस्तों आपको 2018 या फिर 2017 में दोस्तों जो आपको 18:9 वाले डिस्प्ले मिलते थे ना, ऊपर बेजल होता था नीचे बेजल होता था, वैसे ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और दोस्तों यहाँ पर आपको बात कर लें यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी के बारे में, तो 388 PPI आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें कि आपको कितना स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, तो 18.37% आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा दोस्तों। और स्क्रीन साइज की बात कर लें तो 6.65 इंचेस का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो स्क्रीन का मेन फीचर है ना, वो यहाँ पर आपको दोस्तों रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि आपको दोस्तों 144 हर्ट्ज का स्क्रीन देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों आजकल के स्मार्टफोन में बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मेनली आपको 120 हर्ट्ज तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज मिल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में, तो 1080x2340 पिक्सल्स मिल रहे हैं, जो दोस्तों ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टोरेज के बारे में, तो 6GB 128GB 8GB 128GB और 8GB 256GB, ये दोस्तों तीन रैम वेरिएंट्स में दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप दोस्तों सिर्फ 2 नैनो सिम कार्ड ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग बैटरी सेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो बैटरी मिल रहा है ना वो 5100mAh का है, जो दोस्तों बहुत बड़ी बैटरी है। और दोस्तों इस बैटरी की अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर आपको क्विक चार्जिंग का तो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, पर दोस्तों जो क्विक चार्जर है ना वो 30W के चार्जर को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 30W का चार्जर इन बॉक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए आपको बैटरी सेक्शन में कितना अच्छा स्पेक्स देखने को मिल रहा है, 30W का चार्जर मिल रहा है, 5100mAh का बैटरी मिल रहा है, कितने अच्छे स्पेक्स के साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन दोस्तों आ रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मेन मुद्दे के बारे में, वो है परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765G। तो दोस्तों ये एक 5G मॉडम के साथ आने वाला प्रोसेसर है, और दोस्तों ये जिस स्मार्टफोन में होगा वो 5G स्मार्टफोन होगा, क्योंकि दोस्तों ये 5G प्रोसेसर है। और दोस्तों बात कर लूँ आपको यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस एक नंबर का मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कोई भी गेम को, कोई भी PUBG, Fortnite, COD, हर गेम्स को दोस्तों ये हाई सेटिंग्स पे प्ले करवाएगा बिना किसी लैग, बिना किसी ग्लिच के। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ना 730G, 765G, ये दोस्तों मिड रेंज फ्लैक्सिप वाले प्रोसेसर्स होते हैं। ये दोस्तों इन लोगों की अच्छी बात ये होती है कि ये दोस्तों फ्लैक्सिप से थोड़ा नीचे होते हैं, बट दोस्तों ये फ्लैक्सिप ग्रेड की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आप बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस महसूस करेंगे जब आप दोस्तों ये स्मार्टफोन को परचेज करेंगे। तो दोस्तों आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मक्खन की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात कर लें यहाँ पर हम लोग ग्राफिक्स के बारे में, तो एड्रिनो का 620 देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों बहुत ही पावरफुल GPU है, आपके सारे गेम्स को ये अच्छे से हैंडल कर सकता है। और दोस्तों बात कर लें यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर कौन सी मिलेगी, तो 64-bit का ये दोस्तों प्रोसेसर है, ऑब्वियस सी बात है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम लोग स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो USB Type-C कनेक्टिविटी के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 रहेगा, और दोस्तों 3.5mm जैक भी रहेगा, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो कंपास, ये सब सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा वो इन डिस्प्ले वाला मिलेगा, तो दोस्तों ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्वाड कैमरा सेटअप, यहाँ पर आपको दोस्तों जो पहला कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 2 मेगापिक्सल का, चौथा 2 मेगापिक्सल का,
और दोस्तों चलिए बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये तो दोस्तों इसके स्पेक्स हो गए, तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी दोस्तों क्या प्राइसिंग होगी इंडिया में और दोस्तों ये कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये दोस्तों जो स्मार्टफोन है ना चाइना में आज ही दोस्तों लॉन्च हुआ है 23 अप्रैल को। तो दोस्तों वहां की दोस्तों आपको मैं प्राइसिंग बता देता हूं। तो दोस्तों वहां पर इसका जो 6GB 128GB वाला वेरियंट था ना 26,000 से स्टार्ट होता है और 8GB 128GB वाला वेरिएंट 30,000 से स्टार्ट होता है और दोस्तों 8GB 256GB वाला वेरिएंट 32,500 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये इतने इसकी वहाँ की प्राइसिंग है। तो दोस्तों चलिए बता देता हूँ कि दोस्तों ये इंडिया में कौन सी प्राइसिंग में दोस्तों लॉन्च होगा और दोस्तों ये कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो 26,190 से इसकी बेस वेरिएंट दोस्तों स्टार्ट होगी। अभी दोस्तों इसकी बेस वेरिएंट के बारे में ही पता चला, जो 6GB 128GB वाला है ना वो दोस्तों 26,190 का मिलेगा। तो दोस्तों 26,190 में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जा रहा है, वो भी इतने अच्छे स्पेक्स के साथ। 144Hz का स्क्रीन मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 5100mAh का बैटरी मिलेगा, 30W का चार्जर। ये इतने अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन आ रहा ना दोस्तों, मैं दोस्तों इसका फैन हो गया हूँ क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे स्पेक्स दोस्तों आपको इतने कम प्राइस में, भाई ये बहुत ज़्यादा दोस्तों हो जा रहा है। और दोस्तों जब ये दोस्तों स्मार्टफोन लॉन्च होगा ना दोस्तों, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ है आज के दिन। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है ये दोस्तों मई में दोस्तों आएगा इंडिया में, क्योंकि दोस्तों इतने जल्दी दोस्तों इंडिया में आता नहीं है कोई भी स्मार्टफोन अभी। तो दोस्तों आप जान ही सकते हैं क्या चल रहा है आजकल, सभी चीज़ दोस्तों बहुत लेट से हो रही है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप दोस्तों इस स्मार्टफोन के लिए वेट करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर दोस्तों आप मेरे से पर्सनली पूछे कि इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दोस्तों डेफिनेटली आप इसको परचेस करिए क्योंकि दोस्तों इसके स्पेक्स इतने अच्छे हैं ना दोस्तों, ये दोस्तों फ्लैगशिप ग्रेड की आपको स्पेक्स प्रोवाइड कर दे रहा है उसी के आसपास की। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना यार, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साइड के बेल आइकन को भी दबा दो और दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।